राष्ट्रीय राजधानी में उपजे हालात पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने दिल्ली में पनपे हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हमेशा से ही खुद में अनेकता में एकता संजोए हुए है, जहां पर सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोग एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। उन्होंने इस दौरान लरच व्यवस्था की निंदा करते हुए हिंसा में मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोगों की जाने गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने में मारे गए दिल्ली पुलिस के जवान रतन लाल के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। दिल्ली के अंदर नफरत की खबर छपी, भाई और भाई के बीच लड़ाई की खबर छपी, दुकानें जलने की तस्वीरें छपी, मार्केट के मार्केट उजाड़ दिए गए, लोगों के घर उजड़ गए, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर छपी। हम सब दिल्ली वालों को यह सोचना है कि हमें कौन सी तस्वीर चुननी है। ये समय बहुत नाजुक समय है और हम सब लोगों को मिलकर ये सोचना है कि हमें कौन सी तस्वीर मंजूर है। हमारा ये एक भाई हेड कांस्टेबल श्री रतन लाल शहीद हो गए। वो क्यों शहीद हुए? वो किसी हिंदू को बचाने के लिए शहीद नहीं हुए, वो किसी मुस्लिम को बचाने के लिए शहीद नहीं हुए, वो इस मुल्क को बचाने के लिए शहीद हुए।